आगे मैं हूँ, सारे लोग मेरे पीछे से। लोग पता क्या बोलते हैं कमेंट में, आपके अगल बगल के लाटे हैं बस। यहाँ पे बाल की चोरी भी हो रही है, जरा संभल के रहना। हाय, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमान नेगी, आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, खूबसूरत गांव फापन से। तो मेरी भी हो चुकी है नए दिन की शुरुआत न्यू ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और अभी काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, और आज भी आप लोग देख ही सकते हैं हम एकदम सिरानी थमाली पकड़ के तैयार हो रखे हैं। और आज हमारे यहाँ पे भी आज भी उपदी हो रही है, आज चौथे दिन हो रही है उपदी। और कुछ यहाँ मेरे पीछे से जा रहे हैं, कुछ यहाँ मेरे आगे से जा रहे हैं। हेलो हाय तो करो कुछ, पागल चुप रहना हुआ यहाँ तो आ जाने। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं कमेंट में, आपके अगल बगल के लाटे हैं बस, जो कुछ बोलते नहीं है बस। इन लोगों को शर्म आती है बोले, आसमा को लाइक करना, शेयर करना। बोल, अभी उस वाले साइड धूप लग गई है और इस साइड धूप नहीं लगी है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और इधर जाना है हमने, यहाँ ऊपर जाना है। हाँ, और यहाँ पे आजकल हल लगना भी स्टार्ट हो गया है। हमने तो नहीं किया है अभी, लेकिन लोगों ने यहाँ पे हल लगाना भी शुरू कर दिया है। अब तो पहाड़ों में वैसे भी काम ही काम है, वो खेतों का काम, अभी जंगल का काम चल रहा है उपदी का। फिर एक दो दिन में खेतों का काम भी चलेगा, जिसे बोलते हैं धान करना, जहाँ पे धान बोते हैं। तो यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई है, और अभी चलते चलते सांस भी फूल रही है। और देखते हैं, इस पे रखे हुए हैं संतरे यानी कि माल्टे। रास्ते में जंगल में प्यास लग जाती है ना, पेड़ से नीचे आके सबके बांध रखे। नहीं, इन लोगों ने तो ऐसा गीता को देखो, पीछे पीठ पे रखा हुआ है वो क्या बोलते हैं उसको, माल्टा। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, बाकी लोग कुछ चले गए हैं, कुछ आ रहे होंगे। सभी लोग उसे जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं सीधे वहाँ पे मिलते हैं आपसे। बहुत सांस फूल रही है ना, पहले दिन यहाँ उधर हुई थी, अब यहाँ ऊपर होनी है, वहाँ जहाँ पे वो बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना बांझ के, वहाँ पे उधर। सो गाइज, अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और अभी यहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए हैं तो बहुत ज्यादा हल्ला होगा। तो जब सारी महिलाएं इकट्ठी होती है तो हल्ला भी होता है वहाँ ऊपर से। और यहाँ तक सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं पूरी बनाने की, बांस तो मिलेगा या नहीं मिला। अभी बहुत ज्यादा दौड़ भाग लगाने के बाद इन लोगों को तो मिले ही नहीं, पेड़ नहीं मिले, बहुत सुस्त होके जा रहे हैं, पेड़ नहीं मिले। लेकिन मेरे को मिले हैं, पर यहाँ देखो कितने ऊपर जाना है, क्या कर सकते हैं यार, अब तो इन्हीं पे जाना है बड़ी कोशिश करने के बाद। तो अभी तो मैं चलती हूँ, यहाँ देखो ऐसा हुआ वहाँ उधर ना, मैं एक भूड़ पे फंस गई थी, आगे आने वाली हुई भूड़ पे फंस गई, पूरा बाल ऐसे खींच गए थे ना। अभी मैं जाती हूँ, बाद में मिलती हूँ। गाइस, अभी हम पेड़ से नीचे आके यहाँ पे भारे वारे लगा दिए हैं, और यहाँ पे दीदी लोग भी भारे लगा रहे हैं। और ये है गीता का भारा,
तो अब डर ये है कि भाड़ा तो लगा लिया है, पांच पांच पुली बना लिए हैं, अब नीचे जाके जहाँ पे नाप लगा रहे हैं भाड़ों का वहाँ पे ना ज्यादा होगा तो निकाला जाएगा, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ देखो, और इन वाले पेड़ से काटा है हमने, यहाँ से यहाँ से प्रिया लगी हुई है मल्टे खाने पर। तो अभी चलते हैं बांध लेके, तो देखते हैं हम, मेरे पास आज ज्यादा भी होता है कि नहीं होता है, डर लग रहा है कहीं ज्यादा होगा, तो इतनी मेहनत हमारी गई भाड़ में। तो चलिए अभी चलते हैं, सारे लोग अभी यहाँ पे लगे हुए हैं लकड़ी, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई बांझ लेके जा रहा है। तो अभी मैं लकड़ी लेके ना यहाँ पे आ चुकी हूँ, और सारी लकड़ियाँ मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो तीन चक्कर मारे हैं मैंने लकड़ियों के, तीन बार लेने के लिए, एक बार मैं नहीं ला पाई तो तीन बार लाई। और आज की लकड़ियाँ ना मैंने यहीं पे रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे ना वहाँ नीचे ले जाने के लिए ना फुर्सत नहीं आ रही थी, तो मैंने यहीं पे रख दिया है। और अभी 4 बजने वाली है और अभी बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है, तो अब चलते हैं घर। गौशाला में रोटी चाय वगैरह ला रखी है, तो चलते हैं, सारे लोग भी आ ही रहे हैं। और अब फिर से चौथे दिन होगी, शक्ल भी भूख से एकदम सूख चुकी है। और ये बांझ यहाँ पे है, और कुछ बांझ मैं नीचे ही तक ले गई हूँ। अभी चलते हैं गौशाला में।